अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि फाइवर का जो टेस्ट स्किल है, स्किल वाला टेस्ट है जो भी है, उसको आप किस तरह से पास कर सकते हैं और वो क्या होता है, राइट। तो इसको समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखें, गिग पब्लिश करने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर, टेस्ट टेकन, राइट। यहाँ पे फाइवर की तरफ से कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेजेस के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप उनको पास कर लेते हैं, राइट, तो इसी तरह का बैच, इस तरह का, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल मोर क्रेडिबल हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी जो वो स्पेसिफिक स्किल है वो वेरीफाइड हो जाएगी फाइवर के नज़दीक। और जब भी कोई बायर आपका आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो यहाँ पे उसको वो टेस्ट नज़र आ रहा होगा कि इस बंदे ने ये टेस्ट पास किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इस बंदा इस टेस्ट के इस स्किल के अंदर माहिर है। वो फाइवर की तरफ से एक आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है, राइट, जो कि आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे चल के देखते हैं कि टेक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, CS3, HTML5, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये दो टेस्ट अवेलेबल हैं, और इसी तरह से डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं लैंग्वेजेस के अबाउट और कंप्यूटर स्किल्स के अबाउट, इंटरनेट कंसेप्ट्स के अबाउट। और यहाँ पे देखें हमारे पास वर्डप्रेस का टेस्ट भी मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं लेट्स से, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन MCQs ही होते हैं, तो आपको 40 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे 40 मिनट के अंदर, राइट। तो अब आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस क्या हैं, और अगर आप अपने स्किल के अंदर मास्टर हैं तो आप ऑब्वियसली बात है ये कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टिल आप थोड़ा सा इशू है आपको, या आपको नहीं कॉन्फिडेंस कि मैं ये पास कर पाऊँगा, तो आप क्या कर सकते हैं, साथ में एक और लैपटॉप रखें, राइट, और उसके ऊपर लेट्स से मैं यहाँ पे वर्डप्रेस 5 स्किल टेस्ट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइवर कीज, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें डिफरेंट वेबसाइट्स मेरे पास आ गई हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इन जो फाइवर का जो टेस्ट है ना, वो जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसकी जो आंसर कीज हैं वो वहाँ पे डाली हुई है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं क्विकली, एक है जुगाड़ लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब ये वाला कहीं ना कहीं इसके अंदर अवेलेबल होगा, तो आप यहाँ से देखें इसका क्वेश्चन है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है, फिर इसका साइड गार्ड WP प्लगइन है। तो इस तरह से ये सारी कीज आपके पास अवेलेबल है। आपने क्या करना है, एक लैपटॉप पे, अब ये काम सेम लैपटॉप पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो आप उस स्क्रीन को अगर छोड़ते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो फाइवर क्लोज कर देता है। तो आपने क्या करना है, वो स्क्रीन वहीं रहने देनी है, साथ में एक लैपटॉप रखना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो क्वेश्चन आप उस लैपटॉप पे सर्च करके इन वाली वेबसाइट से, और उसका आंसर सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ये टेस्ट दें, चाहे बाय हुक बाय क्रूक जैसे भी दें, लेकिन दें और अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक जो है वो फाइवर स्किल टेस्ट का बैच ले लें, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो आई होप आपको समझ आई होगी, मजीद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आप समझदार हैं काफ़ी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।